नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मदन वर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी ज्ञान बुक। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप कोई भी MP3 या ऑडियो को कैसे आप कट कर सकते हैं और दोबारा से जोड़ सकते हैं। आप एक सॉन्ग के अंदर कई सॉन्ग कैसे जोड़ सकते हैं, इसके लिए मैं ये बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा एक छोटा सा सॉफ्टवेयर जो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने पहले ही वेबसाइट को ओपन करके रखा हुआ है। इसका नाम है मिक्सपैड मल्टीट्रैक रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर। बहुत ही छोटा सा सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक करोगे बिल्कुल फ्रीली डाउनलोड हो जाएगा। तो इसे डाउनलोड कर लीजिए और इंस्टॉल कर लीजिए और इंस्टॉल करके ओपन कर लीजिए। मैंने पहले से करके रखा हुआ है और मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। देखिए, ये पूछेगा आपसे तो आप आस्क में लेटर कर सकते हैं। तो मेरा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टी ट्रैक दिए गए हैं। ये आपको यहाँ पर जो अपने सॉन्ग वो ऐड करने हैं, तो मैं अपने रिमिक्स किए हुए सॉन्ग ऐड करूँगा और मैं इसमें सिंपली ड्रैग करना आपको ऐसे, और ये हो गया। और यहाँ से पकड़ के आगे ऐसे ही आप दूसरे सॉन्ग ऐड करेंगे। मैं फटाफट कर देता हूँ। तो मैंने 3 ट्रैक ऐड कर दिए हैं। तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने सभी फेवरेट सॉन्ग को एक ही लाइन में जोड़ सकते हैं और उसे प्ले करके छोड़ सकते हैं। आपको बार बार सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सभी ट्रैक को आप यहीं पर जोड़ दीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने ऐड कर लिया है। जैसे आप सॉन्ग को छोटा ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से सिंपली एंड पॉइंट को पकड़ेंगे और कहीं पे लाके छोड़ देंगे ऐसे, तो जो आगे का सॉन्ग है वो अपने आप डिलीट हो जाएगा। अगर आप दोबारा से करोगे वापस आ जाएगा। तो यहाँ तक करके छोड़ देता हूँ एक बार। और ये मेरा नेक्स्ट, यहाँ से नेक्स्ट, और इसे भी मैं यहाँ से कम कर देता हूँ एक बार। तो ये देख सकते हैं मेरे 3 सॉन्ग है और तीनों अलग अलग है। तो मैं तीनों को ज्वाइन कर दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे इसके अंदर मैं ये सेट कर लीजिए, थोड़ा सा हल्का सा अंदर रखिए ताकि जब वो ख़त्म हो तो साथ ही इसके स्टार्ट हो जाए। और अगर आप मान लो कि इसमें आवाज़ कहीं पे कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो सिंपली पॉइंट को क्लिक करेंगे ऐसे पॉइंटों को, और इसको पकड़ के और नीचे की तरफ करना है। यहाँ से आपकी वॉल्यूम वो कम हो जाएगी और यहाँ से वापस हो जाएगी, या ज़्यादा करनी है तो इसको ऊपर कर दीजिए। तो ऐसे आप अपनी इसकी वॉल्यूम को भी एडजस्ट कर सकते हैं। और जैसे आपको लगे कि आपका ट्रैक तैयार है, ये आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, इससे आवाज़ कम या ज़्यादा होगी और इससे पैनिंग होती है लेफ़्ट या राइट में आपको, अगर आपने सॉन्ग को पैन करना है तो जैसे, लेकिन इसको छेड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिंपली यही करना है आपको, सिंपली कट और ज्वाइन करना है, तो इन्हीं का इस्तेमाल करना है। तो ये हो गया है। और ऊपर अभी आपको सेव प्रोजेक्ट पर क्लिक करके आप सेव कर सकते हैं। अगर मान लो दोबारा इसी को एडिट करना चाहो तो दोबारा एडिट कर पाओगे। और एक्सपोर्ट मिक्स पर क्लिक करोगे तो आपकी ये फाइल है वो वेव फॉर्मेट या किसी दूसरे MP3 फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हो। तो ब्राउज पे क्लिक करके मैं सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पे, और एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है तो आपकी जो फाइल है वो एक्सपोर्ट हो जाएगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपका इंटरनेट कनेक्ट हो, क्योंकि ये कुछ फाइल डाउनलोड करता है जिससे ये एक्सपोर्ट करेगा। तो जो मेरी फाइल है वो एक्सपोर्ट हो गई है, मैं अभी देख सकता हूँ यहाँ पे। तो मेरी फाइल एक्सपोर्ट हो गई है। तो आपने देखा कि कैसे आप किसी भी सॉन्ग को या किसी भी ऑडियो कैसे कट या ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।